इधर बीकानेर के बाद अब जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंस गई है, जिससे 60 से ज्यादा घरों में दरारें आ गई। नजारा वैसा ही जैसा जोशीमठ में दिखा था, वहां भी घरों में अचानक से दरारें आ गई थी। अब जम्मू कश्मीर के रामबन गुलमार्ग में जमीन धंस गई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि बाद 23 घरों के लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ठहराया गया। पूरे मामले में अजय जांडियाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की है, खास रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त जो है रामबन के उसी इलाके में पहुंची है जहां पर लोगों का बुरा हाल है। आप देखेंगे ये मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपने आशियाने खोए हैं और रो रो कर इन बच्चों का बुरा हाल है और इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि अब ये कहां रहेंगे, ये इनके घर का कैसे मिलेंगे, इनकी ज़मीनें जो हैं वो सारी कहीं ना कहीं जा चुकी हैं। आप देखेंगे ये तस्वीरें काफ़ी परेशान कर देने वाली है। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ। क्या हुआ, क्या है या? इस की जद में आ चुके हैं और एक आश्रम था, मंदिर थे, सब इस जद में आ गए हैं। गरीब लोग को कोई भी सहारा नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि अगर इनको जगह 10-10 मरले दिया जाए और टेंट या मकान के लिए सुविधा दिया जाए, जो कि राशन माल मवेशी। यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? यहाँ से रामबन ले जा रहे हैं, कोई कमेटी हाल में ले जा रहे हैं और आगे जहाँ जहाँ भी कोई। कितने कितने परिवार हैं जो यहाँ से निकाले हैं अभी? ये जो ये जनाब अभी जो इस आज निकाले वो कम से कम को 4-5 घर के परिवार है जो इस वक्त निकाले। कुछ लोग तो भेज दिया, नहीं उससे पहले तो कल के ऊपर दो जगह इंतजाम। कितनी जमीन थी यहाँ पे? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। बहुत सारी जमीन थी जी इधर, तो इनको अभी निकाल रहे हैं। तहसीलदार साहब अभी आए मौके पर, इनको जो है खतरे में इनके घर जो है, इनको भी इस वक्त हम जो है इनके साथ हेल्प कर रहे हैं। हम इनके पड़ोसी हैं तो हम इनको रामबन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं। अभी कितने घर हैं टोटल जो गए हैं? जो वो तो 30-40 घर हैं ना ऊपर सर, ये जो खतरे वाले घर हैं इनको भी निकाल रहे हैं इस वक्त तहसीलदार वगैरह। देखिए अब आप, आपका क्या नाम है? आप परेशान मत हो जाओ, क्या आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? आप देखेंगे बच्चे मासूम जिनके आशियाने गए हैं वो बेचारे अपनी जुबान से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार। काफी परेशान कर देने वाले दृश्य हैं। ये बच्चा इस चीज को लेकर परेशान है कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। कितने मकान अभी तक जा चुके हैं? मैं देख रहा हूँ मासूम बच्चे रो रहे हैं। 40-45 मकान टोटल इसमें जो पंचायत बी में जना ऊपर ये हमारा ये इलाका परनौत वाला, इसमें टोटल 40-45 घर जो है इस दलदल के अंदर फंसे हुए। तो कुछ लोगों को इस वक्त हम जो नए जो अभी चल रहा है मसला, तो इनको दो जो 4-5 लोग अभी 4-5 जो घर हैं हमने इनको निकाला। तो अभी निकाल के इनको ये तहसीलदार साहब अभी आए थे बेचारे, उन्होंने आके बोला कि इनको निकाल के उधर रामबन इनका इंतज़ाम किया हुआ खाने पीने का, तो उधर लेके जाना है फिलहाल। बाकी इनका आसपास के घर हैं, जो घर अभी घिरे नहीं हैं उन लोगों को भी यहां से निकाला जा रहा है। आप देखेंगे दूध मुँह हैं, बच्चे हैं, अपना घर, अपना सामान, अपनी ज़मीनें, वो तमाम चीज़ जो हैं ये खो चुके हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को देखना होगा कि इन मासूम लोगों के आशियाने जो उजड़े हैं, इन आशियानों को वापस संजोया जाए और इन लोगों को कहीं ना कहीं आस इसी सरकार से है कि सरकार इनके लिए कुछ करे। मंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।